हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी बिग चैप्टर। इट इज़ गिव वेरी मच गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। यस, सो एज द नेम इंडिकेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, अगर हम कोई रास्ता भी क्रॉस करते हैं तो वी नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर आई विद आवर मसल्स एंड विद रिस्पेक्ट के हमारा नर्वस या हमारे ब्रेन की क्षमता कि हम समझ सके कि सामने की गाड़ी कितनी दूर है और हम रास्ता क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यस, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो सारे जो हमारे सिस्टम है, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन देम। यस, एंड वी हैव टू कंट्रोल इन अवर बॉडी। यस, सो अगर हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द लोअर टू द हायर ऑर्गेनिज्म देर इज़ अ इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी। यस, अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, दे हैव सिंपल सिस्टम रहेगा उनमें, मतलब वही धीरे धीरे इवोल्यूशन होते जाता है जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ ए इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। यस, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होगा, देर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द नर्वस सिस्टम। यस, सो अगर हम बात करते हैं स्मॉल एनिमल्स की या लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो दे हैव वेरी सिंपल एंड डिफ्यूज फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। यस, और वहीं पे अगर हम हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस की बात करते हैं, तो वी हैव द नर्वस सिस्टम इन वेरी मच मॉडिफाइड। इसमें हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल, दैट इज़ नर्वस सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है एंड केमिकल सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है। हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं, तो इन द प्लांट्स द केमिकल सिस्टम या केमिकल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। यस, सो इन द प्लांट्स जब हम देखते हैं, दे ऑलवेज ग्रो इन अपर डायरेक्शन टूवर्ड्स द सन। यस, एंड रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स टू द ग्रेविटी, दैट इज टूवर्ड्स द अर्थ जाता है वो ग्रेविटी की तरफ। यस, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यस, एंड जियोट्रॉफिक ग्रेविट्रॉफिक मूवमेंट। यस, सो दीज आर द मूवमेंट जो आप देख जो हम देखते हैं प्लांट्स में। यस, हम देखते हैं केमिकल सिग्नल्स वो ट्रांसफर करते हैं। हम अगर कोई लाजाड़ू झाड़ जो डैट इज़ द मिमोसा, उसको अगर हम टच करते हैं, तो उसकी लीव्स क्या होती है, अपने आप बंद हो जाती है। यस, मीन्स दे आर ट्रांसफरिंग सम केमिकल सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। यस, सो दिस इज हाउ द सिग्नलिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द लोअर एंड हायर एनिमल्स एंड हाउ दे आर रिलेट, और वो क्यों वो उसमें कोऑर्डिनेशन, वो अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। यस, अब हम अगर बात करते हैं ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इट इज़ बिकॉज कि हमारे बॉडी में एक होमोस्टेसिस मेंटेन रहना चाहिए। हमारे बॉडी में जो हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, इट शुड बी इन अ कांस्टेंट, मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। यस, टू मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी देर इज़ अ नीड फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करते हैं समर में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ डैट वी गॉट स्वेटिंग, उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो स्वेट करती है और इट मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। वहीं पे गर्म ठंड के दिनों में वी हैव हमको ज़्यादा भूख लगती बिकॉज वेयर बॉडी इज़ वर्किंग फास्ट। यस, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा भूख लगती है, उसके कारण हमारे बॉडी में क्या रहती है, हीट मेंटेन रहती है। इट टू कोरिलेट और टू कोरिलेट विद द आउटर इन्वायरमेंट। यस, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इट इज़ बिकॉज टू मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। यस, सो unicellular organism have a simple organization of their life processes, however in the multicellular organism of the body the organ and organ system required both a control over their life processes as well as the coordination between the various system in order to maintain the homeostasis of the organism. Unicellular organism have simple organization. Yes, as I told you ki unicellular organism, yes, chote jo small स्मॉलर वर्टिब्रेट्स हैं, या बोल सकते हो कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, दे हैव द सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो उनकी जो नर्वस सिस्टम है, इट इज़ सिंपल टाइप, बट व्हेन इट कम्स टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रिक्वायर्ड बोथ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी और द होमोस्टेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस, plants and animals both show a control
एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. यस, इन प्लांट्स दिस डन बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नलिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट. यस, फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रॉफिक टूवर्ड्स द लाइट, कीमोटैक्टिक टूवर्ड्स द केमिकल एंड थिग्मोटैक्टिक टूवर्ड्स द टच. यस, अगर हम देखते हैं जो मनी प्लांट्स है ये ऑलवेज जो वो देखते रहते हैं कि कहाँ उसे टच मिले और उसके वो आजू बाजू वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाए. यस, दैट इज अ थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट. सो द एनिमल्स स्पेशली द हायर वर्टिब्रेट शो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग बोथ इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स. यस यस, सो इन दिस चैप्टर now you will study about the development of nervous system in different animals group and detail of the system in humans. In the porifera, that sponges are the most primitive of the animal phyla. Yes, these are the most primitive type of animal which have the or which have low most primitive type or aap bol sakte ho jisme nervous system hota hai. That is of most primitive type. Yes, even though there is a different type of cells in sponges for carrying out different function, a proper nervous system is lacking. इसमें कैसा है, उसमें हर एक system जो है, हर एक जो आप बोल सकते हैं different types of cells जो है sponges में different function करते हैं, but they lack the nervous system. Yes, एक proper जो nervous system होना चाहिए वो उसमें lacking होता है. However, to bring about efficient working of the body, अगर वही हम multicellular organism की बात करते हैं, उनके उनमें efficient work होना चाहिए उसके लिए, there is working of the body, these multicellular animals show a division of labor amongst the cells. यहाँ पे हम क्या करते हैं, different different cells जो है वो different different काम करते हैं, like डाइजेशन अलग सेल्स करते हैं, रेस्पिरेशन अलग करते हैं, एक्सक्रीशन अलग कोई करता है. सो जिससे क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. यस, बट वी आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. यस, वहीं पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे भी काम डिवाइड हुआ है स्पॉन्जेस में, बट दे लैक्स द नर्वस सिस्टम. यस, बट इन द हायर एनिमल्स वी हैव द कोऑर्डिनेशन. यस, इन बिटवीन दिस डिफरेंट सेल्स. So this lead to specialization of cell for various activities like digestion, respiration, excretion and others. Later in the higher animals phyla, the different cells form tissues, organ and system which must work in a coordination with each other for the smooth internal functioning of the body. Also the organism must able to response and coordinate with respect to the various stimuli. Yes, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक तो coordinated manner में काम करते हैं, we are working in coordination with and we also response to the stimulus. हम जो stimuli है उसके against भी हम क्या करते हैं, properly response करते हैं. response to stimulus मतलब अगर हमें कहीं पे कहीं काटा गड़ जाता है तो हम झट से वहाँ से अपना पैर हटा लेते हैं. मीन्स हमारा जो काटा था दैट इज द स्टिमुली एंड हमने जो अगेंस्ट उसके रिस्पॉन्स किया दैट आर अवर बॉडी रिस्पॉन्स. यस, और द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और जैसे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा चेंज हो रहा है, हम अपनी बॉडी को उस तरह से कोऑर्डिनेट, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अपना मेंटेन रखते हैं. तो दिस इज द, आप बोल सकते हैं, एडवांटेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू द लोअर ऑर्गेनिज्म. यस, in the lower animals like hydra and planaria the nervous system arrives this function, while in the higher more complex animal it is done by coordinating two coordinating system. yes, agar hum dekhenge lower animals mein hame ye nahi milta hai, whereas in the higher animals it is done by the nervous system or by the control or the chemical system. yes, these two system will be studied separately through they work in the coordination with each other. yes, so hum baat karte hain ab hydra ke bare mein, nervous system of hydra. so the nervous system of hydra, ab ye hydra ka hum yahan pe diagram dekh rahe hain. in the diagram you have seen ki aapko yahan pe tentacles dikh rahe hain. these tentacles are the sensory organs rehte hain uske. yes, this sensory, aur yahan pe ye jo aapko lines dikh rahi, these are the nerve. yes, these are the nerves and ye pura ek jaal ki tarah hai, isliye usko kya bola gaya hai, nerve net ke bola gaya hai. here the nerves are transferring signal from one nerve to another with the help of the synapses. yes, synapses humne padha hai,
एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द साइनेप्सिस. यस, अब प्रॉपर वर्क कैसे हो रहा है. दिस इज द, यहाँ पे हमको दिखेगा, दिस इज द रिंग ऑफ गैंग्लियन, दिस इज द माउथ. यहाँ पे माउथ रहता है, एक माउथ है, उसके आजू बाजू में रिंग्स, एंड दिस रिंग्स से क्या निकल रहे, टेंटिकल्स निकल रहे. अब यहाँ पे जो इसका नर्वस सिस्टम है, इट इज वेरी मच प्रिमिटिव एंड सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है. इट इज द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. यस, यहाँ पे सेपरेट कुछ उसको वर्क नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कहीं पे स्टिमुलस आया, कहीं कुछ टच हुआ, या कहीं पे प्रेशर पड़ रहा है, कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो देन दिस टेंटिकल्स अगर उसमें इफेक्ट होता है, देन द होल बॉडी विल इफेक्ट. यस, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इसमें एक टेंटिकल्स में टच हुआ तो इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली. यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी उससे अफेक्ट हो रही है. यस, सो हियर यहाँ पे आप देखेंगे कि दे हैव एक तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, एक डिफ्यूज टाइप का है, सिंपल टाइप का है. यहाँ पे सेपरेटली उनको ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिंपल एक नर्व है, नर्व जो है सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड इन दैट केस एक जगह भी अगर स्टिमुलस होता है तो द होल बॉडी विल अफेक्ट. यस, सो द हाइड्रा इज इन नेडेरियन shows the diffuse nervous system. It shows the diffuse form of nervous system, which is the most primitive nervous system. The cnidarian are thus the first animal group showing the true simple nervous system. It is the first animal which showing the simple nervous system. It consists of sensory cells and the nerve cells or neurons along with the fibers. Ab yahan pe they contains the sensory cells and the nerve cells. Yes. बट यहाँ पे सेंस येस प्रेजेंट तो है, बट दे आर नॉट दैट मच एक्टिव. येस, द नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय साइनेप्सिस बिटवीन देयर फाइबर्स टू फॉर्म अ नर्व नेट. येस, सो दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द साइनेप्सिस एंड दे फॉर्म द नर्व नेट. एक तरह का जाल पूरी बॉडी में उनका रहता है. देर आर टू नर्व नेट्स बोथ इन द मीजोग्लिया एंड वन कनेक्टेड टूवर्ड्स द एपिडर्मिस एंड सेकेंड टूवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस. यस, सो यहाँ पे दो तरह के आपको नर्व नेट देख रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट इज बोथ इन द मीजोग्लिया एंड वन इज अपर साइड में, दैट इज द अपर डर्मिस में प्रेजेंट रहेगा, एंड सेकेंड इज ऑन द गैस्ट्रोडर्मिस इनर साइड थोड़ा रहेगा. यस, देयर आर दीज आर द सेंसरी, देयर आर सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी वॉल्स एंड टेंटिकल्स. यस, but the sense organs are lacking. Yes, अब यहाँ पे sensory cells तो present है, but sense organ is lacking. Neurons has fibers, but they are no sensory and motor nerves. Yes, so यहाँ पे आप देखिए primitive है, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें तो present है, but उससे related उसके organs यहाँ पे absent है. Yes, so these are the simple and primitive type of animal. Yes, so the nerve impulse show no polarity or direction. Thus in Hydra, the activation of सेंसरी सेल कैन हैपन्स एट एनी पॉइंट. कोई भी एक पॉइंट में अगर वो सेल्स एक्टिव होता है, सेंस करता है, देन इट सो एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इम्पल्स कैन कैरी थ्रू आउट द बॉडी इन एनी डायरेक्शन. उसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मैंशन नहीं है. वो अगर कहीं पर भी टच फील हुआ तो देन द होल बॉडी विल एक्ट. दस द ब्रिंगिंग आउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी और टेंटिकल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैचिंग ऑफ प्रे ड्यूरिंग फीडिंग. यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल अगर कोई थोड़ा भी टच हो रहा है तो द होल बॉडी विल अफेक्ट. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिमिटिव टाइप, दैट इज द हाइड्रा. यस, लोअर ऑर्गेनिज्म. The diffuse type of nervous system is the first important landmark in the nervous system. It is seen in the Netophera as well as in the enteric system or gut wall of higher animal including men. Yes. Then next is the nervous system in Planaria, that is the flatworm. Planaria, that is belonging to the phylum, that is the Platyhelminthes. Yes, it is the primitive animal. एक primitive animal है with the central nervous system. इसमें क्या दिख रहा है हमें, central nervous system.
यहाँ पे आप डायग्राम से देखेंगे, सो डायग्राम में ये पूरा आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ लाइक कि यहाँ पे नर्व्स है, दे आर एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद वेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो आईज हैं, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे ब्रेन दिख रहा है, डेट इज यू शेप ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। देन देर इज अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज द जो दो दिख रहे हैं दैट इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड उसको जोड़ने वाले दैट इज द ट्रांसवर्स नर्व। ये जो आपको लैडर की तरह दिखाई दे रहे हैं दैट इज द ट्रांसवर्स नर्व। यस एक्सक्यूज मी। देन अब ये जो वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद आपको यहाँ पे देर इज अ साइड्स में देर इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस ये इस तरह से रहेगा, इज वेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपको यहाँ से नर्व्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं डैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस सो हियर हम देखेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं हम हाइड्रा और प्लानेरिया को, सो द इन हाइड्रा नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं था, यहाँ पे न्यूरॉन्स का डिफ्रेंसिएशन है। सम आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सम आर द पार्ट ऑफ द वेंट्रल एंड सम आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस हियर द आईज आर एंड आईज आर द रिसेप्टर्स, यहाँ पे क्या है आईज आर द रिसेप्टर, दे दीज रिसेप्टर सेल्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू द प्रेशर, टच, केमिकल, लाइट। यस दे आर सेंसिटिव टू ऑल दिस थिंग्स। यस सो दिस इज द आपको दिखाई देगा डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। यस द प्लेनेरिया इज अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी अपर साइड। यस वेंट्रल मीन्स अपर। इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेरिब्रल डेट इज द सिफेलिक गैंग्लियन अपियरिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप ब्रेन। यस यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज द सिफेलिक गैंग्लियन है, दिस इज द इन्वर्टेड यू शेप। यस सो दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, दिस लाय इन द एंटीरियर और द हेड रीजन। यस एंड फ्रॉम द ईच गैंग्लियन अराइज नाइन ब्रांचेस टूवर्ड्स द आउटर साइड, और हर एक गैंग्लियन से आपको आउटर साइड में नाइन जो नाइन ब्रांचेस दिखाई देंगे। तो वेंट्रली फ्रॉम बिलो द गैंग्लिया अराइज अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स दैट इज ये यहाँ से आपको दिख रहा है दैट इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड और द लॉन्ग नर्व कॉर्ड। दीज आर इंटरकनेक्टेड टू इच अदर बाय ट्रांसफर नर्व और द केमिश्योर इन अ लैडर लाइक मैनर। यस ये एक दूसरे से कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर नर्व और द केमिश्योर नर्व। The peripheral nerves plexes arising laterally from the ventral nervous system. जो यहाँ से ventral nervous system गई है उससे फिर से क्या हुआ है peripheral nervous system arise हुआ है। Yes. So the peripheral nervous system include the sensory cells. Yes. बाहर की तरफ रहना चाहिए क्योंकि बाहर की तरफ ही हमें क्या होगा sense होगा, इसीलिए sensory cells क्या है body के outer part में आपको दिखाई दे रहे हैं। Yes. So they are arranged on the they are arranged in the lateral cord in the body. A pair of photosensory pictures, the eyes, are located on the dorsal side of the brain. So here the eye is the photosensory structure. Also there is a single sensory cell scattered in the सिग्नल सेंसरी सेल स्कैटर्ड इन द बॉडी, और इसके बाद उनकी बॉडी में भी जो रहेंगे सिग्नल सेंसरी सेल्स जो है वो अरेंज रहेंगे। यहाँ बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। यस सो दीज आर द सम डिफरेंसेज बिटवीन द हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। यस वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन नहीं थे, यहाँ सेंसरी ऑर्गन्स है, यहाँ पे डिफरेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स है, वहाँ पे डिफरेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स हमें देखने नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही पार्ट रिस्पॉन्स करेगा, वहाँ होल बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी। सो दीज आर द सम आपको डिफरेंसेज देखने मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दीज आर द फ्रॉम हाइड्रा टू प्लेनेरिया, यहाँ पे क्या हुआ है कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उनके नर्वस सिस्टम में। लाइक वाइज हियर ऑल्सो अगर हम ऐसी इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि देर इज अ इवोल्यूशन इन द नर्वस सिस्टम ऑल्सो। यस सो फ्रॉम अगर हम हाइड्रा से अभी तक हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वी हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। यस सो इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा प्लेनेरिया एंड द अर्लियर स्टडी एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच जो हमने 11th में पढ़ा एंड ह्यूमंस वी हैव सीन द ग्रेजुअल इवोल्यूशन और चेंजेस इन द न्यूरल सिस्टम। There is a high level of specialization in the formation of neurons as electrically signaling cells and also in the entire system. Yes,
सो जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन होते जा रहा है, देर इज़ अ स्पेशलाइजेशन होते जा रहा है न्यूरॉन्स में, देर इज़ अ इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग उसमें होते जा रहा है, एंड द एंटायर सिस्टम एंड ऑल्सो इन द एंटायर सिस्टम ग्रेजुअली फ्रॉम द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम टू अ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, वी आर मूव फ्रॉम द डिफ्यूज टू सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम. यस, द एक्सपांशन इंटू अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्वॉल्व्स द ब्रेन, इट्स ग्रेजुअल एक्सपांशन इन साइज एंड फंक्शंस. यस, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका साइज भी इंक्रीज हुआ ब्रेन का और उसका फंक्शन भी इंक्रीज हुआ. यस, this has led to centralization of various sense organ assisting in coordinating the internal environment. अब ये तो modified हो गया, अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? So इससे फायदा ये हुआ that we are able to coordinate the internal environment of our body with the external environment. Yes, and also okay, there is a light गई है. सो डैट मच एक ही लाइन बची है कि इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, उसके साथ आपका आउटर इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है. सो दीज आर द क्या मिल रहा है हमें, उससे मॉडिफिकेशन, उस जो हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ, उससे धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इट विल हेल्प कि हम अपने बॉडी को क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके सारे इन्वायरमेंट से, यस आउटर इन्वायरमेंट से, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जो हमारे ऑर्गन्स है, उनको भी हम क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके. सो दीज आर द सम हमें आप बोल सकते हैं, दीज आर द एडवांटेज दैट वी गॉट इन द हायर एनिमल्स. यस, सो दिस मच फॉर टुडे, हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे का देखते हैं. ओके, बाय.